वेबसाइट पर एक मॉडल के वीडियो डालने के मामले में राज्य साइबर सेल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है व अन्य से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपी डायरेक्टर व कैमरामैन थे और इन्होंने ही मॉडल की एक फिल्म बनाई थी और उसे बिना अनुमति पॉर्न साइट पर अपलोड कर दी थी, जिस पर मॉडल ने राज्य साइबर सेल को शिकायत की। इंदौर की रहने वाली एक मॉडल ने राज्य साइबर सेल को शिकायत की कि कुछ लोगों ने उसके साथ वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर एक फिल्म बनवाई थी, लेकिन उस वीडियो को बिना अनुमति पोर्न साइट पर अपलोड कर दिया गया। बता दें, मॉडल ने राज्य साइबर सेल को शिकायत की कि अल्ट बालाजी सीरीज की वेब सीरीज बनाने का झांसा देकर युवक ब्रजेंद्र, जो अपने आप को डायरेक्टर व अंकित चावला, जिसने कैमरामैन बनकर पूरी फिल्म की शूटिंग की थी और इस शूटिंग में अन्य लोग भी शामिल थे, जिसमें मिलिंद, सुनील जैन, अनिल त्रिवेदी, विजयनाथ पांडे, अजय गोयल, रिजेंसी इस फिल्म को बना रहे थे और फिल्म की शूटिंग इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के किसी फार्म हाउस पर हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि इन सभी ने फार्म हाउस पर 25,000 रुपये किराया लिया था और इसी में इन्होंने फिल्म की पूरी शूटिंग की। शूटिंग पूरी हो जाने के बाद इन्होंने पैसे के लालच में आकर इस वीडियो को मुंबई में बैठे अशोक पांडे, जो कि अश्लील फिल्म बनाने का गोरख धंधा करते हैं, उन्हें मॉडल का वीडियो भेज दिया और इन लोगों ने उस वीडियो को पॉर्न साइट पर अपलोड कर दिया। जब ये जानकारी मॉडल को लगी तो उसने पूरे मामले की शिकायत राज्य साइबर सेल को की और राज्य साइबर सेल ने मॉडल की शिकायत पर अंकित और मिलिंद को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस विभिन्न जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सर, एक मॉडल ने प्रकरण दर्ज करवाया, क्या है पूरा मामला और किस तरह से साइबर राज्य साइबर सेल कार्रवाई करेगी इसमें? देखिए, दिनांक 25 जुलाई को एक 22 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको वेब सीरीज और फिल्मों में काम का प्रलोभन देकर और एक एडल्ट मूवी बनाई गई और ये कहकर कि ये सिर्फ प्रोमो के लिए भेजी जाएगी और उसके आधार पर उसको आगे वेब सीरीज में काम मिलेंगे। उस युवती की वो जो एडल्ट मूवी थी, उसको जो पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं, जो एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, उन पर बेच दिया गया, ये शिकायत उसने दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जांच उपरांत इसमें अपराध कायम किया गया सेक्शन 66B, 67, 67A आईटी एक्ट के तहत और उसी में हमने आज दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मिलिंद डावर और अंकित चावला। मिलिंद डावर वो व्यक्ति है जिसने इस युवती को कास्टिंग के नाम पर जो डायरेक्टर है विजेंद्र, उससे मिलवाया और फिर ये पूरे शूट के दौरान वहाँ मौजूद रहा। और अंकित वो व्यक्ति है जिसने, जो असिस्टेंट कैमरामैन था, जिसने इस फिल्म को बनाने में मदद करी थी। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि एरोड्रम क्षेत्र के एक फार्म हाउस पर ये फिल्म बनाई गई और फिर इसको पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे युवती की सहमति के बिना अपलोड कर दिया। सर, अभी तक कितने जनों के साथ ऐसा कर चुके हैं, कुछ जानकारी दी? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ इस युवती से हुई है और आरोपियों से हुई, उसमें 3 से 4 युवतियों के बारे में जानकारी मिली। सर, पहले भी ये जो मॉडल थी, इसने कहीं कुछ काम किया है? काम किसी को? जी हाँ, इसने ये जो है लगातार मॉडलिंग का काम कर रही थी और इसने शॉर्ट फिल्म बनाई। सर, इन लोगों के संपर्क में कैसे आई, कहाँ पर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो मिलिंद डावर है, इसने कास्टिंग के नाम पर, वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर इसको संपर्क किया।